हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारा सा वीडियो। इस वीडियो में क्या है कि आप लोग सीखेंगे खुद के लैपटॉप में, खुद के सिस्टम में फिल्टर ऐप कैसे बनाएं, वो एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। फिल्टर आप खुद से कैसे डेवलप कर सकते हैं। जी हाँ, डेवलप मीन्स बनाना, मीन्स फिल्टर ऐप बनाने को हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में बोलते हैं फिल्टर ऐप डेवलप करना। ओके, तो आज हम लोग बताएंगे कैसे आप अपने खुद के लैपटॉप में सेटअप करेंगे। ओके, तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, इसमें सबसे खास बात यह है कि हमने स्टेप्स मिस कर दिए तो आप नहीं सही से सेटअप कर पाएंगे, आपके सिस्टम में नहीं चल पाएगा फिल्टर और आप ऐप डेवलप नहीं कर पाएंगे और हमको बोलेंगे हम गलत ट्रिक बता रहे हैं, ओके। तो हम सबसे पहले स्टेप पे चलेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। ये क्या होता है? ये कैसे एडिटर है, एडिटर में इन द सेंस जहां से जो हमारा कोड होता है प्रोग्रामिंग जिस पर हम लिखते हैं, जैसे हमारा नोट पैड होता है, नोटबुक होता है ना हार्ड, इसी तरह से हमारा सॉफ्टवेयर में विजुअल स्टूडियो कोड ये करंट एडिटर है और ये काफी अच्छा काम करता है। तो इसीलिए हम विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले। तो ये कैसे करेंगे, इसका इस तरह विजुअल स्टूडियो कोड इस तरह का इंटरफेस आता है, ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। तो इसके लिए देखो क्या है कि हमारा यूआरएल है, हम यूआरएल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बस अभी समझें स्टेप बाय। सबसे पहले आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप वन से लेकर लास्ट तक, ये बिल्कुल भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि अगर आपने स्टेप्स मिस कर दी तो नहीं कर पाएंगे। ओके, सपोज करो आपका सिस्टम जो है वो विंडो है, विंडो आपके सिस्टम में विंडो पड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे और ये लगभग 90 MB का ये सॉफ्टवेयर है। ओके, 90 MB का लगभग सॉफ्टवेयर है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से, डाउनलोड इस वाले बटन से हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। आप इस यूआरएल पे गए और यहाँ पे आपको डाउनलोड फॉर विंडोज आपने क्लिक किया और ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो हमारा सॉफ्टवेयर यहाँ से ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगा, विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप वर्जन लेटेस्ट वाला। ओके, तो यहाँ से ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा आपका और आप यहाँ पे इस पे जाके और आप जहाँ पे डाउनलोड हुआ डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे, उस पर डबल क्लिक करेंगे, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 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 जिस तरह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में आप कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ। तो पहले स्टेप पर हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे, दूसरे स्टेप को सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। ओके, फर्स्ट स्टेप डन। ओके, नाउ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, ये तो सबसे मेन स्टेप है यानी कि फिल्टर। ओके, तो सबसे filter.dev यानी कि ये फिल्टर का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको फिल्टर का एसडीके होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ओके, जब भी आप filter.dev पे जाएंगे, वेबसाइट है ये, वेब पोर्टल है फिल्टर वालों का ऑफिशियल का, तो आप यहाँ पे गेट स्टार्ट पे जाएंगे। जब भी जैसे ही गेट स्टार्ट पे गए तो आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा गेट स्टार्ट पे इंस्टॉल, सबसे पहले आपको इंस्टॉल मिलेगा और कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में चल जाता है। तो ये विंडोज के लिए हम जाए चाहते हैं, अभी हम विंडोज में बता रहे हैं, हमारा भी सिस्टम विंडोज है और आप लोगों के आशा करते हैं विंडोज ही होगा, नहीं तो देखो किसी का अगर डिफरेंट है, सपोज किसी का मैकबुक, किसी का लाइनस, किसी का सेंट क्रोम ओएस में करना चाह रहा है तो यहाँ से वो कर सकता है। तो विंडोज के लिए जाएंगे तो विंडोज पर क्लिक करेंगे सबसे पहले। ओके, किसी के पास अभी हम फिलहाल विंडोज के लिए बताएंगे और बाकी बहुत ही आसानी से देखिए। अब इसमें सबसे पहला देखो स्टेप है ये डाउनलोड फॉर फॉलोइंग स्टैंडर्ड बंडल, ये देखो ये एसडीके है, यहाँ पे बटन दिया हुआ है फिल्टर अंडरस्कोर विंडोज, ये यहाँ पे नया बटन 3.33 यानी कि फिल्टर का 3.13.3 स्टोर बटन ये आया हुआ है। तो ये जिप फाइल है यहाँ पे अपलोडेड है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। ओके, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये भी ऑटोमेटिक वहाँ डाउनलोड होने लग जाएगा। ओके, यहाँ पे ये जिप फाइल हमारा डाउनलोड करना ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा, ये लगभग 855 MB का है, 855 MB। ओके, तो ये आपका दूसरा स्टेप, ये देखेंगे हमारे पास ऑलरेडी वैसे तो डाउनलोड है, हम आपको दिखाते हैं। देखो तो हम चलते हैं डाउनलोड में, देखो ये जो अभी डाउनलोड किया था वो ये है। ओके, फिल्टर एसडीके, तो जिप फाइल हमारा डाउनलोड होगा डैश, तो जिप फाइल को हम ओपन करेंगे। जैसे ही जिप फाइल को ओपन करेंगे इसके बाद में जिप फाइल को हम जब तक जिप फाइल को ओपन तब तक क्या करेंगे, इसके लिए हमको क्या करना होगा कि इसको कहाँ पे रखेंगे। अभी तो फिलहाल हमारा डाउनलोड हुआ है, ठीक है, तो हम इसके लिए कहाँ चलेंगे, इसके लिए हमको चलना होगा आप अपने जाएंगे दिस पीसी, मीन्स आपका जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव का जो भी आपका फोल्डर है ना, यहाँ पे सी ड्राइव का जो भी फोल्डर है आप सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में आपको एक फोल्डर बनाना होगा, एक फोल्डर क्रिएट करना होगा जिसका नाम होगा SRC। यू हैव टू क्रिएट वन फोल्डर द नेम ऑफ SRC। ओके, सो ये ऑलरेडी क्रिएटेड हुआ है SRC, आपको सी ड्राइव में जो भी आपका विंडोज वाला ड्राइव होता है सी ड्राइव में SRC नाम से फोल्डर क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे देखो जो भी फिल्टर हमारा डाउनलोड हुआ है, देखिए ये हमारा फिल्टर जो भी जिस फाइल थी अभी जो डाउनलोड हुआ था वहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है, ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हुआ है, इसको आप कॉपी करेंगे यहाँ से और SRC वाले फोल्डर में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एज इट इज। इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, इस वाले स्टेप में। ओके, आपने लिया जिस फाइल से फोल्डर फिल्टर वाला और आपने जो सी ड्राइव में फोल्डर बनाया है SRC नाम से, ओके, नहीं बनाया तो बना लीजिएगा SRC नाम से और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है जो फिल्टर वाला फोल्डर है जो यहाँ पे आपको जिस फाइल में मिला हुआ है जो। ओके, बहुत ही आसान है। ओके, तो चलते हैं अगले स्टेप में, आशा करते हैं ओके आपका सक्सेसफुली दोनों स्टेप आपने कर लिए होंगे। ओके, वेल डन। ओके, नाउ अब हमारे दो स्टेप पूरे हो गए। ओके, नाउ अब चलते हैं स्टेप थ्री पे। स्टेप थ्री क्या है कि एनवायरमेंट वेरिएबल। एनवायरमेंट वेरिएबल क्या होते हैं, सपोज करो हमने फिल्टर जो हमारा है सिस्टम को नहीं मालूम कि आपका फिल्टर जो है वो सी ड्राइव में इस वाले फोल्डर में है। ओके, सिस्टम को नहीं मालूम तो आप कैसे बताएंगे सिस्टम को, ठीक है ना। तो जब भी आप क्योंकि कमांड लाइन से बात करता है
CMD जो फिल्टर है हमारा वो कमांड लाइन से वर्क करता है। तो ये सिस्टम को कैसे मालूम पड़ेगा, आपका फिल्टर जो है ना फिल्टर SDK इस वाले फोल्डर में रखा हुआ है आपने, तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो एनवायरनमेंट ड्राइवर सेट करना पड़ता है। ओके, ये स्टेप 3 के लिए। तो एनवायरनमेंट ड्राइवर सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सर्च में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ENV। ओके, आप देखेंगे इतना सा टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। ओके, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे और आप नो ये नहीं है ENV। ओके, ENVI। ओके, तो ये जो विंडो है देखो यहाँ पे जब भी आप पहली बार जाएंगे तो आपका यहाँ पे जो फिल्टर वाला है एनवायरनमेंट वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो आपको न्यू पे क्लिक करना होगा न्यू। ओके, उससे पहले आपको क्या करना होगा, एक फिल्टर का पाथ होता है, पाथ मींस इन द सेंस आपने फिल्टर कहाँ पे रखा हुआ है, फिल्टर स्लैश बिन। ओके, आप यहाँ तक सबसे पहले आप सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में SRC नाम से जो फोल्डर बनाया उसके अंदर फिल्टर फोल्डर जो आपने जब आपका कॉपी हो जाएगा यहाँ पे वाला जो आपने डाउनलोड किया था, उसके बाद इसके बाद में आप करेंगे बिन फोल्डर, बिन आप बिन फोल्डर में जाएंगे और क्लिक करेंगे टॉप पे और इसको इस पाथ को कॉपी कर लेंगे, यू हैव टू जस्ट कॉपी दिस पाथ। ओके, तो हमारे अगले स्टेप के लिए इसका पाथ हमारा काम आएगा। ओके, इसको हमने क्या किया, इस पाथ को कॉपी किया और इस पाथ को अब हम एज ए एनवायरनमेंट वेरिएबल हम सेट करेंगे। ओके, तो चलते हैं सेट करने के लिए जी। तो आप न्यू पे जाएंगे यहाँ पर, जैसे आपका इस तरह से ओपन हो गया, आप यहाँ पर टाइप करेंगे सर्च में एनवायरनमेंट और आपको इस तरह से मिलेगा एनवायरनमेंट वेरिएबल ENVIR। ओके, यहाँ पे मिलेगा एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट्स। ओके, सेटिंग पे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और आप न्यू पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे नाम देना होगा आपने किस लिए किया फिल्टर, सपोज करो आप फिल्टर के लिए सेट कर रहे हैं और बाकी जो भी आपने अभी फिल्टर बिन फोल्डर से जो भी आपने पास लिया था उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। हमारे सिस्टम में ऑलरेडी एडिट है। ओके, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से होगा। ये देखो यहाँ पे हमारे सिस्टम में एडिट है, अगर हम एडिट करना चाहें तो देखो ये पूरा जो पाथ था वहाँ पे आप सेट कर देंगे और ओके कर देंगे, आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट हो गया, आपका ये वाला स्टेप भी सक्सेसफुली डन हो गया। ये ओके, नाउ डन। ओके, नाउ चलते हैं फोर्थ स्टेप पे। ओके, ये हमारे तीन स्टेप हो गए हैं, अब चलते हैं फोर्थ स्टेप पे। स्टेप चौथे में क्या है, एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो क्या होता है, एक एंड्रॉइड यानी कि एंड्रॉइड ऐप बनाने का पहले क्या होता है, गूगल ने सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि एंड्रॉइड स्टूडियो यानी कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो को आप डाउनलोड करने के लिए क्या होता है, गूगल का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एंड्रॉइड स्टूडियो की कई सारी चीजें आती हैं, साइडिंग की चीजें आती हैं जो कि वो गूगल ने खुद से डेवलप किया है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करना पड़ेगा सिस्टम में, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो ENVIR एंड्रॉइड स्टूडियो आप गूगल पर टाइप करेंगे इजी। ओके, जैसे ही टाइप करेंगे तो आप सबसे पहली लिखा हुआ डाउनलोड नाउ एंड्रॉइड स्टूडियो। ओके, आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड किस फोन देंगे और आपको यहाँ से आपका जो भी सिस्टम होगा उसी हिसाब से वो डाउनलोड होगा, डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका एंड्रॉइड स्टूडियो जो भी होगा आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये भी लगभग 1 GB का सॉफ्टवेयर है। ओके, ये भी लगभग 1 GB का सॉफ्टवेयर है और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा थोड़ी देर बाद, जैसे आपका डाउनलोड हो जाता है इसके बाद आपको इंस्टॉल कर लेंगे, काफी इजी प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं सेम वही उसी प्रोसेस में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाता है ओके, तो आपका इस तरह से ओपन होता है, इसको आप सक्सेसफुली इंस्टॉल करने के बाद में तो अभी हमें फोर्थ स्टेप पे एंड्रॉइड स्टूडियो, जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाता है ओपन हो रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो ये हमारे पास 2022 का फर्स्ट 1.2 ये वाला इंस्टॉल्ड है, और जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होता है, मीन्स सबसे नया वाला, और ये ओपन हुआ है। एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको एक काम करना होगा, जैसे ही एंड्रॉइड स्टूडियो आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह का लगभग इंटरफेस आएगा, थोड़ा बहुत इंटरफेस चेंज हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वर्जन के साथ थोड़ा बहुत इंटरफेस चेंज कर देते हैं, बट ये ऑप्शंस वही होंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे, तो आप लोगों को एकदम से घबराना नहीं है, इधर उधर होंगे आप देख लेना ठीक है। जैसे आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद में आपको जाना होगा SDK मैनेजर। ओके, SDK मैनेजर में आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, बहुत ही छोटा सा है, एक ऑनलाइन, ये जो स्टेप 4 है, स्टेप 4 में क्या लिखा हुआ, एंड्रॉइड स्टूडियो कमांड लाइन टूल। ओके, हमको ये इंस्टॉल करना है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। ओके, जैसे ही हम SDK मैनेजर पे आएंगे, ओके, हमने अभी कुछ भी नहीं किया, अभी कहीं भी क्लिक नहीं किया, आप जाकर बिल्कुल भी बहुत सारी चीजें हैं तो आप बिल्कुल भी ज्यादा घबरा नहीं, जो भी डिफॉल्ट सेट था मैंने कुछ भी नहीं किया। ओके, अब हम क्या करेंगे, SDK टूल्स पे जाएंगे, SDK टूल्स। ओके, SDK टूल्स पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड्रॉइड SDK कमांड लाइन टूल लेटेस्ट। ओके, अभी ये इंस्टॉल है, जब भी आप पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे अनइंस्टॉल दिखेगा, ठीक है, आपको यहाँ पे टिक कर देना है, सपोज करो जब भी कोई चीज आपको करते हैं तो यहाँ पे टिक करते हैं तो फिर उसको अप्लाई करते हैं। ओके, जैसे ही अप्लाई करेंगे इस तरह से, ओके, ये वाला नहीं करना है, ओके, आपको करना है ये वाला, हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है बट हम दिखाएंगे कैसे इंस्टॉल होता है। ओके, आपको यहाँ पे चेक कर देना है और अप्लाई कर देना है तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, लास्ट में आपको फिनिश करना होगा, जब फिनिश हो जाएगा आपको फिनिश करना होगा, बस एंड्रॉइड स्टूडियो में इतना ही काम था। ओके, नाउ चलते हैं अगले स्टेप पे, ये आप इंस्टॉल करेंगे सक्सेसफुली। ओके, नाउ
हमारे स्टेप चार हो गए हैं, ओके, फोर स्टेप डन, ओके। नाउ क्या है कि हमारे जब भी ये चार स्टेप हो जाएंगे इसके बाद हम सीएमडी ओपन करेंगे, सीएमडी कमांड। चार स्टेप हो गए हमारे ऑलरेडी, ओके, अब क्या करेंगे, हमें सीएमडी पे जाना है, सीएमडी, सीएमडी तो जानते हो विंडो में सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट होता है, सीएमडी कमांड, ओके। तो सीएमडी कमांड पे जाएंगे, सबसे पहले हम सीएमडी कमांड ओपन करेंगे, विंडो पे जाके यहाँ पे जाके सीएमडी टाइप करेंगे तो आपका सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, ओके, आप क्लिक करेंगे तो आपको ओपन हो जाएगा। नाउ जैसे आपका सीएमडी ओपन होता है, ओके, अगर आपका सब कुछ सही रहा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एफ एल यू डबल टी या फिल्टर डी ओ सी टी या फिल्टर ड्रॉप कर, क्योंकि आपको स्पेलिंग देखना होगा, बहुत ही सही होना चाहिए स्पेलिंग कमांड प्रॉम्प्ट की। अगर आपका बिल्कुल सही हुआ था तो आपको यहाँ फिल्टर अडॉप्टर प्रेस करेंगे, चेक करने के लिए कि हमारा सब कुछ सही हो गया, फिल्टर अडॉप्टर, ओके, सीएमडी कमांड पे। फिल्टर अडॉप्टर, ओके, ये कमांड है तो इसको हम सिंगल यूनिट कमांड देते हैं, ओके। तो इस तरह से आपको खुल जाएगा, ओके, अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आपका ग्रीन टिक हो जाएगा, ये चेक करता है कि आपके सिस्टम में बिल्कुल सही सब कुछ सेटअप कर लिया आपने, जो अभी मैंने बताया था वो यहाँ पे होता है, जो कमांड लाइन टूल था वो इस सेक्शन में आएगा, एंड्रॉइड टूल चैन, ओके। और इस तरह से आपका बिल्कुल सही, ये यहाँ पे एक एरर देगा, विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो नहीं हमें करना, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है, पता नहीं कुछ नहीं, ये एक पर्सनल एरर है, ये रेड दिखा है, रेड का एरर है, तो उसमें कुछ गड़बड़ी की जरूरत नहीं, बाकी आपका लेवल सेटअप हो जाएगा, उस तरह ग्रीन देगा, इस तरह आप चेक कर सकते हैं, फिल्टर डॉक्टर कमांड देते हैं, आपका फिल्टर सही से सेटअप हो गया है। अगर आपका कुछ भी एरर आ रहा हो तो यहाँ पे बताएगा वो कितना इशू, उस एरर को आप ऐसे इस तरह कॉपी पेस्ट करेंगे, अगर आपका एरर आ रहा है तो कॉपी कर लिया, आपने सेलेक्ट कर लिया और उस एरर को सेम टू सेम आप ऐसे करके गूगल पे यानी कि आप पेस्ट करेंगे तो आपको उसका कुछ ना कुछ निवारण जरूर मिलेगा कि क्या दिक्कत आ रही है, ओके। तो बिल्कुल भी सपोर्ट करो, सबके सिस्टम में अलग अलग की एरर आ सकती है, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल लेकर घबराना नहीं है, आपको इस तरह जाना है और आपको उसका एक जैसे इस तरह से दिखा हुआ है ग्रीन टिक, तो आपको यहाँ से इस तरह से बिल्कुल उसको पढ़ के और वो कर लेना है, उस चीज़ का निवारण आपको तुरंत ही मिल जाएगा, ओके। कोई भी एरर आ रही है तो इस तरह से आपको दूर करके आप चलते हैं, ओके। नाउ सपोज करो अगर आपका, ओके, जब आपने ये फिल्टर रन किया इसके बाद एक कमांड आपको और रन करनी है, ओके, ये वाले इसको बोलते हैं लाइसेंस, यानी कि हमें हमारे पास हमारे सिस्टम में लाइसेंस नहीं होता है, तो सबसे पहले इसको हम फिल्टर अडॉप्टर एंड्रॉइड लाइसेंस, ओके, ये वाली कमांड हमें रन करनी होती है, फिल्टर अडॉप्टर स्पेस माइनस वन एंड्रॉइड, ये कमांड हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। इस तरह से ये इस तरह से कमांड रन हो, देखो देखिए जा, ओके, और आपको पहली बार जब आप सेटअप करेंगे तो आपका आपको बाई टाइप करना होगा, बाई मीन्स इन द सेंस सबसे पहली बार हमें ये फिल्टर कमांड लाइन, ओके, ठीक है, आपको फोटो दिखाते हैं, हमने पहले सबसे पहले सेटअप किया था तो इस तरह से आया था, क्योंकि ये हमने इसलिए क्यों पहले सेटअप कराया था, क्योंकि इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अगर हम सेटअप नहीं करेंगे पहले से तो ये कम से कम दो घंटे का वीडियो जाएगा, दो घंटे का, तो इसलिए ये सब पहले से मैंने सेटअप किया है, तो इसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए सबसे मैंने पहले सेटअप कर लिया है। जब भी आप सेटअप करेंगे तो आपको इस तरह से देखो मिलेगा, जी हाँ, तो आपको फिल्टर लाइसेंस जैसे ही आप इस ये वाली कमांड आप रन करेंगे तो आपको यस यस हर जगह बाई टाइप करके एंटर कर देना है, बाई टाइप करके या इस तरह से देखो आप एक्सेप्ट कर, इसमें क्या होता है, हमें खाली जो लाइसेंस होते हैं एच डी के एंड्रॉइड के वर्जन होते हैं अलग, तो उन वर्जन के लिए हमें लाइसेंस को एक्सेप्ट करना होता है, यस, इसके लिए तो आपको बाई टाइप करना होगा, एंटर करना होगा, बाई प्रेस करना होगा, एंटर करना होगा, बाई प्रेस एंटर, ओके, और आपका ऑल एच डी के पैकेज लाइसेंस एक्सेप्टेड हो जाएगा, ओके। जैसे आपका ये एक्सेप्टेड हो जाता है आपका ये वाला स्टेप भी पूरा हो जाएगा, ओके। नाउ स्टेप फाइव डन, ओके, अब आपका फिल्टर सेटअप हो गया, अब आप इसको रन कैसे करेंगे, फिल्टर का मोबाइल आप रन कैसे करेंगे, ओके, तो वो कैसे करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीन्स आपका यहाँ तक फिल्टर आपका हो गया, ठीक है, आपके सिस्टम में फिल्टर का ऐप आप डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, बट आप रन यानी कि जो आपने बनाया उसको टेस्ट कैसे करेंगे, इज इट वर्किंग फाइन और नॉट, ओके, तो वो कैसे काम करेंगे आप, मीन्स आप उस चीज को जैसे एंड्रॉइड का ऐप बनाएंगे तो आपको वो एंड्रॉइड में ही आप उसको रन कर पाएंगे, तो वो कैसे करेंगे वो बताते हैं, देखो आपका खुद का मोबाइल होगा, ठीक है, आपका खुद का मोबाइल होगा, जब आप खुद के मोबाइल में जाएंगे, ओके, तो आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है, ओके, आपके मोबाइल में एक ऑप्शन होता है, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और हम जाएंगे सेटिंग्स पे, सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स पे, ओके, सेटिंग्स सारे मोबाइल में होती है, चाहे वो रेडमी का हो चाहे किसी का भी, ओके, सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे, जी हाँ, सेटिंग्स में जाके देखिए आपको यहाँ से दिख रहा होगा पूरा, सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में हमारा लिखा हुआ अबाउट फोन, ओके, अबाउट फोन, तो आपको इस अबाउट फोन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है MIUI, देखो अभी हमारा ये रेडमी है, ओके, रेडमी 8 का मोबाइल अभी हम कनेक्ट कर रखे हैं डेवलपमेंट के लिए, तो हम इसमें
ऐप को टेस्ट करते हैं बना के। ओके, यहाँ पे MIUI वर्जन लिखा हुआ, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक डेवलपर ऑप्शन होता है, डेवलपर ऑप्शन को आपको ऑन करना होता है, जिससे कि आपका आप यूएसबी केबल से आपको कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम, अपने मोबाइल को, लैपटॉप में, और ये आप इसी में डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाता है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, देखो उसके लिए हम बता रहे हैं आपको स्टेप फॉलो करने हमारे। ठीक है, आप सबसे पहले सेटिंग पे जाके स्मार्टफोन में जाएंगे और MIUI वर्जन इस पर आप कम से कम 5 to 7 टाइम क्लिक करना है। ओके, जल्दी जल्दी आज करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आज करके हमारा ऑलरेडी है क्लिक। ओके, ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शंस है, वो किस तरह का ऑप्शन जैसे आपका आ जाएगा तो किस तरह का हो जाएगा। ठीक है, ओके, यू आर नाउ अ डेवलपर, जैसे आपका 7 टाइम्स हो गया। ओके, यानी कि चेक करता है ऑप्शन यू आर नाउ अ डेवलपर। ओके, आपको MIUI वर्जन पे क्लिक करना है, तो जैसे आपका 7 टाइम क्रॉस कर देगा यू आर नाउ अ डेवलपर, जैसे आप डेवलपर बन जाएंगे, मींस नाउ आप डेवलपर हैं, डेवलपर मतलब जो मोबाइल बनाने वाले होते हैं। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, डेवलपर जब भी आप बनेंगे तो आपको कहां जाना है, आप सेटिंग्स में ही जाना है। ओके, अगेन आपको सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स में फिर आप कहां जाएंगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नो नीड यू आर ऑलरेडी डेवलपर। ओके, नाउ अब हमें करना है जो ऑप्शन, अब जो हमारा ऑप्शन हुआ है, ओके, वो ऑप्शन हमारा कहाँ पे आया है उस ऑप्शन को देखिए, तो अगेन हमें सेटिंग पे जाना है। ओके, और सेटिंग पे हम नीचे से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे एडिशनल सेटिंग। ओके, ये आपको दिख रहा हूँ एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कर देंगे तो आप एडिशनल सेटिंग पे जब भी जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन। जी हाँ, यही है वो डेवलपर ऑप्शन, ये पहले से ऑन नहीं होता है, ये आपको ऑन करना पड़ता है आपके डिवाइस में, आपको टेस्टिंग के लिए यूज करने के लिए, मीन आप टेस्टिंग एज ए टेस्टर यूज करेंगे इसको। ओके, आप जो भी ऐप बनाएंगे उसको आप यहाँ से टेस्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डेवलपर ऑप्शन पे, गए सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे ऑन रहता है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको यूएसबी डिबगिंग, ओके, मीन्स आप यूएसबी केबल से आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये है ऑप्शन मेन इंपॉर्टेंट। ओके, यूएसबी डिबगिंग आपको यहाँ पे पहले ऑफ होगा, उसको ऑन करना होगा। ओके, इसको भी ऑन कर देंगे आप, इंस्टॉल वाया यूएसबी इसको ऑन कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे, आप चाहे तो तीनों ऑन कर देंगे, बट पहले ये वाला इंपॉर्टेंट होता है। ओके, यूएसबी डिबगिंग जैसे ही आप इसको ऑन कर देंगे तो आपने आपका ये वाला ऐप पूरा हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, अब हमारा ये वाला डिबगिंग ऑन हो गया, हमारे सारे स्टेप्स पूरे हो गए। ओके, अब हम टेस्ट करेंगे सबसे पहले। ओके, नाउ सारे स्टेप पूरे, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाके एक फोल्डर क्रिएट करना है। ओके, अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे आप और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, हमने ऑलरेडी क्रिएट करके देखो डेस्कटॉप पे आप जाएंगे सारा कुछ वो हमारा। अब सारा इंस्टॉलेशन हो गया, और कहीं भी आपको अगर कहीं पे आप भटक जाते हैं तो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इसके सारे, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, हमारे स्क्रीनशॉट देखे कि हमको ये वाला एरर आ रहा है ये कैसे होगा, तो हम आपका उसका निवारण देने के लिए आपको पूरा कोशिश करेंगे। ओके, आपको फिल्टर यहाँ पे आपको हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, फिल्टर ऐप सपोज करो हमारे पहले से बना हुआ है तो हम दूसरा बना रहे हैं। ओके, आप ओके सही से, ओके नया फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे माई प्रोजेक्ट। ओके, माई प्रोजेक्ट का नाम का हम फोल्डर बना रहे हैं, माई प्रोजेक्ट नाम से हमारा बना लिया। अब इस फोल्डर को हम यहाँ पे ओपन करेंगे, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड जो है हमारा सॉफ्टवेयर उसको हम ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, हम यहाँ पे जाके विंडो पे जाके VS कोड या फिर कुछ भी टाइप करेंगे। ओके, तो हमारा इस तरह से यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा सही से, तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी VS कोड था, जो एडिटर था, जिसमें हम लिखेंगे कोडिंग करेंगे। अब आप लोग कोडिंग करोगे, मीन्स एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोडिंग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, जैसे आपका इस तरह का ओपन खुल जाएगा तो आपको यहाँ से फोल्डर जो अभी आपने नया फोल्डर किया है, ओके, क्रिएट किया है उसको, जैसे हमारा माय प्रोजेक्ट ने किया था, तो उसको आप यहाँ से ओपन कर लेंगे सिलेक्ट फोल्डर। ओके, बहुत ही ईजी है, जैसे आपने नया फोल्डर ओपन कर लिया। अब चलते हैं आगे, अब हमें इस फोल्डर में अपना फ्लटर का प्रोजेक्ट, फ्लटर का एक पहला ऐप इंस्टॉल करना है। जी हाँ, इसके पहले हम उस वाली वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, बट फिर भी हम बता दे रहे हैं कैसे हम फ्लटर का पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमने अपना फोल्डर क्रिएट कर लिया, ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको आपको अब हमको क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन करना है, न्यू टर्मिनल। ओके, टॉप पे आपको ऑप्शन मिलेगा टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ओके, कैसे, ये कमांड लाइन इंटरफेस ओपन होता है जिसमें हम कमांड टाइप करते हैं। ओके, हमको टाइप करना होगा FLUTTER फ्लटर क्रिएट, आप प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे, सपोज करो मैंने दे दिया ENGIN इंजीनियर MALAY इंजीनियर मलेशिया वाला। ओके, हमने फोल्डर का नाम दे दिया, अब उसको आपको स्मॉल लेटर भी रखना है, आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं इस तरह से। ओके, क्योंकि इसके रूल्स में है कैपिटल का यूज नहीं कर सकते आप। ओके, आपने एक प्रोजेक्ट का नाम दे दिया और एंटर प्रेस किया, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। और देखिए प्रोजेक्ट, ये देखो क्रिएट हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट, क्रिएटिंग प्रोजेक्ट इंजीनियर मलेशिया वाला, मीन्स इस एक नया फोल्डर क्रिएट हुआ, ये देखिए यहाँ पे, और उसके अंदर जो भी फ्लटर के लिए जो भी सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है वो सारी फाइल्स क्रिएट हो रही हैं।
विद इन कुछ ही सेकंड में इतनी सारी फाइल्स देखो क्रिएट हो गई ऑटोमेटिक, कुछ भी नहीं करना है, वेरी इजी। देखिए इतनी सारी फाइल्स हो गई, आप देखो पहला ऐप कितना इजी है, बस हमने कमांड दिया हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम सीधे इसको डायरेक्ट रन करेंगे, देखिए अब क्या ओके हमारा क्रिएट हो रहा है। बस अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, समझ में आ ही रहा होगा, जहाँ तक उम्मीद है कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छे से इजी वे में समझाएं, अगर कुछ भी लग रहा है आप लोगों को तो कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में ओके। तो हाँ देखिए ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट जो है ना फिल्टर का सबसे पहले क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखा सी डी, जो कि हमने फोटो बनाया था प्रोजेक्ट का, सी डी मतलब चेंज डायरेक्टरी, तो अब हम उसमें उस डायरेक्टरी में प्रवेश करेंगे जो भी हमने बनाया था ओके। इस तरह से सी डी लिख के और हम इस फोल्डर में प्रवेश कर रहे हैं ओके। सी डी लिख के आप टैब प्रेस करेंगे, एक या दो लेटर आप अपने फोल्डर के टाइप करेंगे और आप टैब, एक टैब बटन होती है कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड में ऊपर की तरफ, तो आप टैप प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा ओके। और अब हम क्या करेंगे, एफएनयू डबल टी फिल्टर रन, यानी कि आपका जो फिल्टर का एप क्रिएट हुआ है वो आप रन करेंगे आपके डिवाइस में, मीन्स हमारा मोबाइल ऑलरेडी कनेक्टेड है यूएसबी केबल से ओके। अभी आप देखेंगे हमने यहाँ से एंटर प्रेस किया, हमारा जो पहला प्रोजेक्ट जो हमने क्रिएट किया वो हमारा प्रोजेक्ट रन करेगा ओके। ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है, जब तक कुछ ना कुछ आपको समझाते नहीं होता चल रहा है ओके। ये देखिए लॉन्चिंग, अभी हमारा पहला जो एप है वो हमारा डिबग मोड, तो हमारा जो पहला एप है वो लॉन्च कर रहा है। होपफुली आप लोगों ने सारे स्टेप्स कर लिए होंगे स्टेप बाय स्टेप, और अभी हमारा इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा सा पहली बार थोड़ा सा टाइम लेता है, मैंने पहले भी बताया था थोड़ा सा टाइम लेता है, बट प्रोग्रामिंग में क्या है कि थोड़ा सा टाइम बहुत लगता है। अगर इसमें कोई भी फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देता है कि हमारा काम नहीं हो रहा, तो वो नहीं इस लाइन में नहीं टिक पाएगा, आपको टाइम देना होगा प्रॉपर टाइम के साथ में। लगन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने लगन से काम नहीं किया, कोई भी इरर आई कुछ भी हुआ आपने छोड़ दिया रास्ते में, तो प्रोग्रामिंग तो भूल ही जाओ। इसीलिए कहते हैं बहुत ही लगन से इसको करना होगा स्टेप बाय स्टेप। better.jp वेबसाइट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जब भी आपको कोई दिक्कत आती है आप सर्च करते हैं तो इससे रिलेटेड आपको यहाँ से कई सारी चीज़ मिल जाएंगी कैसे कैसे करना है। बाकी हमें साफ साफ लिखा होता है कैसे क्या करना है ओके। कहीं भी आपको अगर फर्स्ट टाइम क्लिक होता है, वैसे इसका भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, यहाँ से भी आप हिंट ले सकते हैं ओके ये कैसे इंस्टॉल करते हैं।